सम नंबर 81, सॉरी सम नंबर 82, अगर आप सम नंबर 82 को पढ़ोगे तो 82 में क्या लिखा था कि EBC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, सी इज गिवन गारंटी दैट हिज मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी गिवन ईयर वुड बी एटलीस्ट 5,000 रुपीज होगा. डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वल, अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो भी बॉर्न करेंगे. The profits of the year given amounted to rupees 40,000. Pass journal entries in the books of the firm. तो आपको बाद में journal entry pass करनी है. उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि जो 40,000 दे रखा है profit, वो आप तीनों partner को divide करो. So you have been given the profits. तीन partner है A, B, C. और इनका जो प्रॉफिट दे रखा है वो 40,000 दे रखा है, विच विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो. इसका रेशियो क्या है भाई, 5:4:1 में आप डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब होगा दिस विल बी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड 20,000 आ जाएगा. देन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा 16,000. देन 40,000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 40,000. सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में मेरे, 40,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 4,000. तो ये आपका प्रॉफिट हो गया. अब कंडीशन क्या था कि भाई ए बी सी में सी का कम से कम उसको मिनिमम 5,000 रुपया मिलना था, ऐसा बोला गया. अब जो डेफिसिट है तो डेफिसिट इसको 1,000 रुपया मिलेगा. अब ये जो 1,000 रुपया है वो कौन देगा, तो दैट डेफिसिट विल बी गिवन बाय ए एंड बी. तो डेफिसिट ऑफ सी विल बी बॉर्न बाय A and B in equal ratio. ये equal ratio में क्यों जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर लिखा है deficiency if any would be borne by A and B equally, ऐसा लिखा है इसके लिए. इसका मतलब है 1,000 रुपये को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा तो A अपने पास से 500 रुपया देगा एंड B भी अपने पास से 500 रुपया देगा, क्योंकि 1,000 रुपये का आधा होता है 500 रुपये. So, आपका एडजस्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 में से 500 चला जाएगा 19,500, 16,000 में से 500 माइनस हो जाएगा तो 15,500. तो दिस विल बी द एडजस्टेड प्रॉफिट. अब आपको इसके ऊपर पास करना है जनरल एंट्री. तो जनरल एंट्री पास करने के लिए आप प्रॉफिट बनाते हो तो सबसे पहले आ जाएगा डेट, बाद में आ जाएगा पर्टिकुलर्स, बाद में आप लिख दोगे LF, डेबिट एंड क्रेडिट. तो सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन, अकाउंट में आ जाएगा 40,000, टू एज कैपिटल, अकाउंट में आ जाएंगे 19,500, तो बीज कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे 15,500, तो सीज कैपिटल अकाउंट में आएंगे 5,000, क्योंकि आपने बोला था उसमें.
नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, तो ये आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो जाएगा। और ऊपर यहां हेडिंग दे दोगे आप एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, तो यहां पे आपका फिर सम खत्म हो जाएगा। यू हैव टू ड्रॉ द लाइंस। क्वेश्चन नंबर 83 है, विकास एंड विवेक वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April, they admitted Vandana as a new partner for 1/8 share in the profits with a guaranteed profit of ₹1,50,000. The new profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain the same, but they decided to bear any deficiency on account of guaranteed of Vandana in the ratio of 2:3. क्योंकि Vandana को उन्होंने guarantee दिया कि उनको उसको इतना तो profit मिलेगा ही मिलेगा, कितना 1,50,000 तो profit मिलेगा ही, और अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आई तो उसका रेशियो जो है दोनों के बीच में 2:3 का रहे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2018 वाज ₹9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास विवेक वंदना फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2018। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्किंग नोट को बनाएंगे और वर्किंग नोट के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ले जाएंगे। तो आपके तीन पार्टनर है, तो पार्टनर्स के नाम हम लोग पहले लिख देते हैं। तो पार्टनर्स है हमारे विकास विवेक एंड वंदना। प्रॉफिट जो था उसका रेशियो में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो विकास को कितना है, तो दैट इज 9 लाख रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ था, है ना। उसमें से क्वेश्चन में ये लिखा गया था कि आपने उसको वंदना को एडमिट किया था 1/8 प्रॉफिट में। तो देखो अब इसका आप ये कैसे निकालोगे, तो वंदना का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, दैट इज 9 लाख मल्टीप्लाई 1/8 निकालोगे तो वो आपको यहाँ पे प्रॉफिट, वंदना का प्रॉफिट निकलेगा ना, उसके बाद फिर उसका वापस 3:2 में नहीं करना। नहीं, पहले वंदना का निकाला ना आपने, तो वंदना का प्रॉफिट निकालोगे 9 लाख में से। हाँ, तो ये कितना 1 लाख 1/8 होगा, तो 9 लाख मल्टीप्लाई 1/8 करोगे तो यू विल गेट 112,500, ये उसका प्रॉफिट आएगा। अब आप विकास का निकालोगे, तो विकास को निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि वंदना का जो प्रॉफिट है वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि वंदना का क्या प्रॉफिट, अपना जो टोटल प्रॉफिट था 9 लाख, उसमें से आप माइनस करोगे 112,500, फिर ये जो भी आंसर आएगा ब्रैकेट 9 लाख, अच्छा मैं ब्रैकेट हटाई, सर हम 9 लाख सीधा नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो यू विल गेट व्हाट एवर द आंसर कम्स विल मल्टीप्लाई बाय 9 लाख माइनस करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 3/5, तो यहाँ पे आपको आंसर। फिर हमने माइनस क्यों करना है बेटा, आपने पहले वंदना का जो 9 लाख था उसमें से उसका 1/8 प्रॉफिट माइनस कर दिया, क्योंकि आपने स्टेटमेंट में लिखा है कि आपका जो भी 9 लाख रुपीज होगा उसमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो वंदना का है वो 1/8 है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर में लिखा गया है। सेकेंड लाइन में देखो लिखा होगा कि ऑन 1st April दे एडमिटेड वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट, तो पहले आपको उसका 1/8 निकालना पड़ेगा, क्लियर हो गया। और उसका फिर अब आपको माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो सेम रेशियो में, क्योंकि देखो नीचे भी लिखा ही है विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, मतलब उनका रेशियो सेम रहेगा, इसलिए 3/5,
So that will give you 4,72,500. In the same way, Vivek का निकलेगा कि जो भी 9 लाख था उसमें से मैं वंदना का प्रॉफिट माइनस कर दूंगा और फिर उसका जो रेशियो था 2/5 वो फाइंड करेंगे. तो इसका डिफरेंस आएगा 315,000. आपको चेक करना हो तो आप अगर इन तीनों का टोटल करोगे तो इन तीनों का जो टोटल है दैट हैज टू बी 9 लाख रुपीज. देखो 9 लाख रुपीज आ गया क्योंकि प्रॉफिट मेरा 9 लाख रुपीज ही था. अब यहाँ पे तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए था, प्रॉफिट ये आया एक्चुअल प्रॉफिट. नाउ यहाँ पे डेफिसिट आया क्योंकि आपका एडजस्टेड करके आपको प्रॉफिट मिला कि वंदना को मैंने कंफर्म किया था कि 1.5 लाख रुपया मुझे देना है. 1,50,000 देना है. तो नाउ व्हाट इज द डेफिसिट? तो 1,50,000 माइनस 1,25,000 करूंगा तो दैट इज 37,500. नाउ दिस 37,500 हैज टू बी बियर इन 2:3 रेशियो. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने विकास एंड विवेक ने डिसाइड किया था कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको हम 2:3 में डिवाइड करेंगे. तो अभी 2:3 में कौन होगा? 3:2 है. मतलब बेटा जी नीचे देखो, नीचे की लाइन में लिखा है उसी पैराग्राफ के लास्ट में देखो लिखा है 9 लाख रुपीज. हाँ, तू वंदना इन द रेशियो 3:2 प्रॉफिट फॉर द महीना. But they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 2:3. मेरे में 3:2 दी है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3:2 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 37,500 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/5, सो यू विल गेट 15,000. 37,500 मल्टीप्लाई 2/5. अच्छा ऊपर मैंने गलती कर दिया होगा कैलकुलेशन में. 37,500 मल्टीप्लाई 3/5 इज 22,500. आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा दैट इज 4,72,500 प्लस 22,500 क्योंकि आपको देना पड़ेगा. ये इसलिए ब्रैकेट में होगा क्योंकि आपको देना है. तो माइनस में आएगा तो दैट विल बी इन माइनस. और अब ये माइनस करोगे 3,15,000 माइनस 15,000 सो मिलेगा 3 लाख रुपए. अगेन आप इसका टोटल करके चेक करो कि क्या ये 9 लाख रुपीज होता है कि नहीं होता है, वो होना जरूरी है. और हो गया टोटल. फिर आप इधर बना लोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट. हाँ बोला है ना पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना. पीएनएल Appropriation account. और अब आप इधर लोगे तो divisible profit. विकास का लिख दोगे 4,50,000. विवेक का लिख दोगे आप 3 लाख. वंदना का लिख दोगे 1,50,000. आउटर कॉलम 9 लाख. और इधर आपका था भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 9 लाख रुपए. इधर भी टोटल हो गया आपका 9 लाख. ये आपने बना दिया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
सर हम इसमें एक्चुअल प्रॉफिट का नहीं लिखते, क्या चीज एक्चुअल प्रॉफिट का अमाउंट नहीं लिखते ना? नहीं चलो इधर आने तो बाकी